मैं हूँ प्रज्ञा, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की ओर रुक करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम वही खबरें आपको दिखाते हैं जो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि सच जरूरी है। देश के 7 राज्यों में आज भारी बारिश का अलर्ट। अगले 24 घंटों के लिए मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मध्य प्रदेश में भोपाल सिहारे समेत 29 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट है। राज्यसभा उपचुनाव में भाजपा ने नीरज शेखर को बनाया अपना उम्मीदवार। पिछले महीने ही समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले नीरज शेखर को भाजपा ने आगामी राज्यसभा उपचुनाव में यूपी से अपना उम्मीदवार बनाया है। नीरज बीजेपी में आने से पहले भी सपा के राज्यसभा सांसद थे। अब भाजपा ने रिक्त हुई सीट से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। सेल के चेयरमैन पर दिल्ली में जानलेवा हमला, बाल बाल बची जान। भारत के सबसे बड़े सरकारी स्टील निर्माता कंपनी के चेयरमैन पर राजधानी दिल्ली में कुछ लोगों ने लोहे की जड़ों से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि 58 साल के अनिल कुमार चौधरी काम से घर लौट रहे थे, तभी उनकी कार को 4 लोगों ने घेर लिए और जबकि एक दूसरे वाहन ने उनके गाड़ी को टक्कर भी मार दी। एमएनएस न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।